शिक्षा कितने प्रकार की होती है। आज देखो आप सब पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी डिग्री धारी आप लोग हैं, कितने प्रकार की शिक्षा होती है? चार प्रकार की। कौन कौन सी? पहली शिक्षा धर्म की, दूसरी शिक्षा अर्थ की, तीसरी शिक्षा काम की, चौथी शिक्षा मोक्ष की। धर्म, अर्थ, काम और चार शिक्षाएं होती हैं, जिसमें आजकल के बच्चों को, आपके बच्चों को स्कूलों में कौन सी शिक्षा पढ़ाई जाती है? जोर से, इन चारों में आपके बच्चों को कौन सी शिक्षा पढ़ाई जा रही है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में क्या पढ़ाया जा रहा है बच्चों को? जोर से, जोर से। केवल अर्थ। अर्थ मतलब पैसा। जबकि शिक्षा तब तक अधूरी है जब तक चारों शिक्षा ना हो। चार सब्जेक्ट है ना। आजकल के बच्चे कितना भी पढ़ लिख जाएं, लेकिन पढ़ने के बाद वो नौकर ही बनना चाहते हैं। हम नौकरी कर लें महाराज, हमारी भी नौकरी लग जाए। पढ़ लिख गए हैं तो वो पढ़ लिख कर भी आजकल की शिक्षा नौकर ही बना रही है। इसलिए नौकर ज्यादा है, मालिकों की कमी होगी, क्योंकि कोई मालिक नहीं बनना चाहता, सब नौकर बनना चाहते हैं, क्योंकि पढ़े ही नौकर वाली शिक्षा हो। अर्थ, जबकि ध्यान रखो, आप अपने बच्चों को ये बात बता सकते हैं, पहले नंबर पर क्या है? जोर से और जोर से, धर्म। पहले नंबर पर जिसके जीवन में धर्म होगा। आप लोग कहते हैं महाराज जी हम झूठ ना बोलें तो हमारी दुकान ना चले, ये बात गलत है। जिसके जीवन में धर्म होगा, धर्म युक्त जिसका जीवन होगा, उसके जीवन में धर्म के बाद अर्थ ही आता है। धर्म युक्त रास्ते पर चले, धर्म के राह पर, तो अर्थ आएगा, आएगा। दूसरे नंबर पर अर्थ है, तीसरे नंबर पर काम है। जब धर्म से चलोगे तो अर्थ आएगा, और अर्थ आएगा तो कामनाएं पूरी कर लेना, गाड़ी की, बंगले की, स्त्री की, पुरुष की, साज सज्जा की, हैं? ये काम तब पूरे होंगे ना आपके। भाई लड़के के पास कमाई ना हो तो कोई लड़की भी तो नहीं देता, तो तुम्हें पत्नी भी तो तब मिलेगी जब तुम काम धाम दो, पैसा, अर्थ होगा तो काम पूरे होंगे। कामनाएं मतलब हर कामना, हर कामना की हम बात कर रहे हैं। धन की, घर की का, अच्छा घर बनाना है तो अर्थ चाहिए, गाड़ी खरीदना है तो अर्थ चाहिए, और शादी करना है तो क्या चाहिए? अर्थ चाहिए, फ्री में दुल्हन थोड़ी आएगी। हाँ, तो शुरू क्या होना चाहिए? धर्म। धर्म होगा तो अर्थ आएगा, और अर्थ आया तो कामनाओं की पूर्ति होगी, और कामनाओं की पूर्ति हो गई तो मन संसार से हट जाएगा। जिसकी कामनाएं पूरी हो गई उसी का तो मन हटता है। कामनाएं पूरी नहीं हुई आप लोगों की, इसलिए तो आपका मन संसार में लगा है, इसलिए आप चौथी शिक्षा तक पहुंच नहीं पाते। कामनाएं पूरी होंगी तो अपने आप मन संसार से हटके भगवान में लग जाएगा, तो फिर मोक्ष हो जाएगा। तो चार हैं धर्म, चारों बताओ जरा आप मुझे पढ़ाओ, चार कौन कौन से? पहला क्या है? तो जीवन कैसा हो? धर्ममय जीवन हो। अधर्ममय जीवन ना बनाना अपने बेटों को। जिसके जीवन में धर्म है उसके जीवन में अर्थ होगा, निश्चित होगा। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन आज कौन सी पढ़ाई पढ़ाई जा रही है? केवल अर्थ कमाओ बेटा, ना उन्हें धर्म से मतलब है, ना मोक्ष से मतलब है। आजकल दो पढ़ाई कह लो आप, एक अर्थ की, एक काम की। इसलिए आजकल बच्चे पढ़ने जाते हैं तो पढ़ाई कम करते हैं, काम वासनाओं को पूरा करने में लग जाते हैं, क्योंकि क्योंकि पढ़ाई दो ही बची ना आज के युग में, अर्थ और काम।
धर्म और मोक्ष समाप्त हो गया, ना तो किसी को धर्म से मतलब रहा ना मोक्ष से, अर्थ और काम बचा है। अर्थ कमाओ, आजकल लोग पैसा कमाते हैं और पैसा कमा के रात भर डिस्को करने जाते हैं, तो अर्थ है तो कामनाओं की पूरी करते हैं, संसार के भोग विलास में उलझे रहते हैं, ये काम है आज का। प्रहलाद जी को भी संडा मरक ने काम और अर्थ की शिक्षा दी, पर प्रहलाद जी ने कहा ये शिक्षा मेरे मतलब की नहीं, मुझे तो धर्म और मोक्ष की शिक्षा चाहिए। धर्म और मोक्ष की शिक्षा पाने के लिए गुरु की शरण में आना पड़ेगा, वरना संसार में तो अर्थ और काम की ही है। तो आपके बच्चों को स्कूल में दो शिक्षा तो मिल जाएगी, काम की और अर्थ की। धर्म और मोक्ष की शिक्षा आपको घर पर ही बच्चों को देनी चाहिए, लेकिन आप लोग लापरवाह माँ बाप बन गए हैं। आप लोग बच्चों को ना धर्म का पाठ पढ़ाते ना मोक्ष का पाठ पढ़ाते। आजकल बच्चे बोलते हैं हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं, मोक्ष भी नहीं चाहिए उन्हें, मोक्ष से कोई लेना देना नहीं। तो अब बचा दो तो दो में वो गुलाटी खा रहे हैं, वहीं वहीं गोल गोल घूम रहे हैं, इसलिए पतन हो रहा है। मानव का शरीर जिसलिए मिला वो उद्देश्य पूरा हो ही नहीं रहा, इसलिए इच्छाएं बढ़ती चली जा रही हैं। आजकल तो लोग धाम वृंदावन धाम आते हैं, अयोध्या जी जाते हैं, हरिद्वार द्वारिका जी जाते हैं, वहां जाने पर भी भगवान का दर्शन करने गए हैं, लेकिन वहां जाकर भी स्त्री दिख जाए तो स्त्रियों में मन चला जाता है। अरे दर्शन करने गए हो भगवान के, कहां तुम्हारा मन स्त्री पुरुष में रखा है। धामों में लोग जाते हैं वहां भी कुछ लोगों का मन स्त्रियों में लगा रहता है, हाँ या ना, मतलब बुद्धि की पवित्रता चली गई, निर्मलता चली गई। जो तुम्हारे घर में विषय वासना तुम्हारा पीछा कर रही थी वो विषय वासना तीर्थ तक तुम्हारे संग आ गई, और यहां भी तुम किसी को देखते हो तो उस स्त्री और पुरुष की तरफ तुम्हारा मन चला जाता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो भीड़ भाड़ में स्त्रियों को बार बार, कुछ लोग बार बार गंदी नियत से टच करना चाहते हैं। आए वृंदावन है, आए हरिद्वार है, जगन्नाथ जी बद्रीनाथ जी, लेकिन उन वो खड़े मंदिर में हैं, लेकिन उनका मन कहाँ रखा है, काम में। काम मतलब वासना, खड़े भगवान के सामने हैं और मन कहाँ है, बोलो, वासना में। अब बताओ तो भगवान के दर्शन से क्या लाभ होगा तुम्हारा, इसलिए भगवान के दर्शन करने के लिए शरीर को ना भेजो बिहारी जी के मंदिर, पहले मन को भेजो, जा मन तू मंदिर में दर्शन करके, मन लगाओ। शरीर कहां जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, मन लगाओ, मन हटाओ अपना विषय वासनाओं से, तुम ही हटाओगे, कौन हटाएगा। गई बहुत छोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयो खेत, है ना मेरी माँ। ये मन इतना प्रबल है, हटाए हटता नहीं। मन तो भैया तभी हटेगा सबसे जब कृपा भगवान की होगी, इसलिए कहो हे नाथ हम पर ऐसी कृपा करो कि मन सब जगह से हटकर आपके श्री चरणों में लग जाए, और कहीं ना लगे चाह कर भी।